नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी फरमाइशें आती है, ईमेल आता है और मैं सबके सवाल का जवाब एक एक करके जरूर देता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी खास फरमाइश पर कि नामांक छह वाले जातकों की क्या विशेषता होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रंग पहने, कौन सा दिन उनके लिए शुभ है, कौन सा महीना उनके लिए शुभ है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नामांक कैसे निकालते हैं, वो भी बता दूंगा संक्षिप्त में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बटन है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नामांक जीवन में बदलाव ला सकता है और हमारे जीवन को आशावादी दिशा प्रदान कर सकता है। नामांक की गणना अंग्रेजी के अक्षरों को दिए गए अंकों के आधार पर की जाती रही है। नामांक की गणना के लिए जो पद्धतियां हैं, खासतौर से कीरो पद्धति, सेफेरियन पद्धति और पाइथागोरस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आज भी लगभग सभी अंक शास्त्री नामांक की गणना इन्हीं प्राचीन तरीकों से करते आ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, वीडियो में मैंने ये तीनों के बारे में बताया हुआ है, तो वीडियो को देखिएगा, उसमें कौन सा नंबर किसको जो है बिलोंग करता है। बहुत सारे जो है लोग जो है नौ को अपने चार्ट में जगह दिए हैं तो कुछ लोगों ने नहीं दिया है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस पद्धति के हिसाब से। दोस्तों, नामांक जानने के लिए सबसे पहले करना यह है आपको कि आपका नाम इंग्लिश में लिख ले। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूं, मोनिका निहलानी, तो इस नाम को आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, मोनिका निहलानी, तो एम ओ एन आई के ए एन आई एच ए एल ए एन आई। अब इन अक्षरों को जो है इनके नीचे में जो नंबर है, जैसे कि चार्ट में आप देख रहे होंगे, आगे चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस चार्ट का जो नंबर है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, एम इक्वल टू फोर, ओ इक्वल टू सेवन, एन इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू वन, के इक्वल टू टू, ए इक्वल टू वन, एन इक्वल टू फाइव, एन इक्वल टू वन, एच इक्वल टू फाइव, ए इक्वल टू वन, एन इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू वन, एन इक्वल टू फाइव, आई इक्वल टू वन। इन सभी अंकों को जमा करें और इन्हें जोड़ें, जैसे कि फोर प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस वन प्लस टू प्लस वन। अब इनको अगर टोटल करेंगे तो 20 आएगा, 2020। उसी तरह से निहलानी का होगा 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, इन सबको जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो जो है मोनिका का 20 हुआ था और निहलानी का जो है वो 22 हुआ, तो 20 को 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 22 को अगर प्लस करेंगे 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से कुल योग बन जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। इस प्रकार इस व्यक्ति का नामांक 6 हुआ। किसी व्यक्ति का नामांक यदि अनुकूल नहीं है तो अंक ज्योतिषी या अंक शास्त्री द्वारा जो है आप अपने नाम में परिवर्तन करके जो है अपने नाम को बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ, मतलब मेहनत भी खूब कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, दिमागदार भी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तो एक मामूली से परिवर्तन से आप जो है आपको वो सारी चीज मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके उदाहरण में अगर दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं खाली आपको बताना चाहूंगा कि वो सब पहले से ही डिजर्व करते थे। तो पहले से ही वो जो है ज्ञानी थे, पहले से ही वो पैसे वाले थे, पहले से ही जो उनको समझ थी और पहले से ही वो काम कर रहे थे, लेकिन एक मामूली से परिवर्तन, वो भी किसी, आप अगर खुद अगर ऐसा आपको लग रहा है
कि आप सब तरीके से परफेक्ट है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी अंक ज्योतिषी आचार्य से आप मिल लें और उनको बोले कि जैसे कि वो हल्का सा परिवर्तन कर देंगे, जैसे कि अगर महेश है तो उसमें डबल ए लगा देंगे या इस तरह की हल्का फुल्का परिवर्तन करेंगे आपके राशि के अनुरूप, ताकि आप उसका जो आपको जो फल है वो अच्छा मिले और तुरंत आपको प्राप्त हो। तो ये दोस्तों इसको परिवर्तनशील नामांक कहा गया है, सौभाग्यांक भी कहा जाता है इसे, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनके स्वभाव गुण और इनकी विशेषता के बारे में। नामांक 6 अंक वाले के व्यक्तित्व में एक अद्भुत सा आकर्षण होता है। इनके चुंबकीय गुणों के कारण लोग इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। नामांक 6 के लोग दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग प्रेम करने में बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। इन्हें सभी सुंदर वस्तुओं से प्यार होता है, सुंदरता के प्रति इनमें स्वाभाविक आकर्षण होता है। नामांक 6 वालों में रोमांटिकता का भाव तो रहता ही है, साथ ही साथ सौंदर्य के प्रति प्रेम होता है। सुंदर साज सामान का इन्हें बहुत शौक होता है। नामांक 6 वालों को कलापूर्ण चीजों से प्रेम होता है, इन्हें फुवड़पन पसंद नहीं होता। नामांक 6 वाले मित्र बनाने में अच्छे होते हैं, इनके मन का रस जान पाना बहुत मुश्किल है। नामांक 6 वाले स्वभाव से चंचल होते हैं, किसी एक विषय पर अधिक देर तक विचार नहीं कर सकते, परिवर्तन इन्हें पसंद आता है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, भ्रमण संबंधित कार्यों में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो आप जो भी भ्रमण संबंधित काम करना चाहें उसको कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें भ्रमण करना पड़ता है काफी, जैसे कि अब मैं सामान्य से बात कर दूं, अगर किसी कंपनी में अगर जब पूरे ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में अगर हर जगह कहीं अगर आपको जो ऑर्डर के लिए बोला जाता है, तो इस तरह का आप काम करेंगे तो काफी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे बताते जाऊंगा, नामांक 6 वाले प्रेम में निष्ठा का भाव रखते हैं, ये जिन्हें भी प्रेम करते हैं उनके लिए सर्वत्र त्याग भावना रखते हैं। नामांक 6 वालों में खुले हाथों से खर्च करने की आदत बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण इन्हें धन संग्रह करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से ही ये पैसा जमा कर पाते हैं। नामांक 6 वालों को अकेले रहना पसंद नहीं होता है, इन्हें किसी न किसी की आवश्यकता होती है। नामांक वाले जो होते हैं 6 वाले, उनको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। नामांक 6 वालों को क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है, ये किसी प्रकार का विरोध सहन नहीं कर पाते हैं। नामांक 6 वाले किसी भी योजना को करने में दृढ़ होते हैं। अब सावधानी बता देता हूं, नामांक 6 वाले जिस भी कार्य के विरुद्ध हो जाते हैं उसे अपना नहीं पाते हैं और विरोध ही रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका आप समाधान करें। नामांक 6 वालों को किसी भी नशे की आदत से बचना चाहिए, वरना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो नशे की आदत से बचें, इन्हें उतावलेपन से दूर रहना चाहिए, हर बात पर बेकार में न अड़े, दूसरों के विचारों को भी सुनने का प्रयास करें। हमेशा अपनी बातों पर अड़े मत रहिए, दूसरे के विचारों को सुनिए और बाद में जब आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से कीजिए, लेकिन पहले आप दूसरे की बात सुन तो लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इनके जो है कार्य की और रंग की और महीने की। तो दोस्तों मैंने अपने जो है यूट्यूब के वीडियो में मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, भाग्यांक कैसे निकाले, मूलांक कैसे निकाले। तो जो है आपका जो है मूलांक या भाग्यांक जो है वो भाग्यांक मूलांक 6, उसमें आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी कि किस तरह का काम आपको करना है, कौन सा दिन पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, कौन कौन से मित्र बनेंगे, संपूर्ण जानकारी है तो ये आपको सूट करेगा, और कौन से अंक मित्र है इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो आप जरूर उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त।